नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SP3790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मेथर्जिन टैबलेट के बारे में कि अगर आप किसी महिला को मेथर्जिन टैबलेट का प्रयोग करवाते हैं तो इससे उस महिला को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कैसे इसका प्रयोग करना है, किस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों महिलाओं में क्या होता है कि वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो किसी किट एबॉर्शन किट का प्रयोग कर लेती हैं, चाहे वो मेफिजेस्ट हो, अनवांटेड हो, या क्लियर किट हो, या फिर कोई भी किट हो, किट का प्रयोग कर लेती हैं। उनको ब्लीडिंग होता है लेकिन ब्लीडिंग ठीक से नहीं होता है और जो उनके क्लॉथ्स हैं, जो टुकड़े हैं, अंदर फंस जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। तो जो टेस्ट कार्ड से चेक किया जाता है, जब चेक करती हैं तो उनको डबल जो निशान होता है, जो आइकॉन हिंट्स होते हैं जो उस पटरी में आते हैं, तो उसमें दो आते हैं, एलो आपके जो गुलाबी कलर के दो उसमें निशान आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी पॉजिटिव है, यानी कुछ कण अंदर फंसा हुआ है। तो वहाँ पे अगर मेथर्जिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। वो जो टुकड़ा अंदर फंस गया है, चाहे वो ब्लड का टुकड़ा हो या कोई भी टुकड़ा हो, अगर अंदर फंस गया है तो जब भी आप प्रेगा न्यूज़ से किसी भी टेस्ट कार्ड से जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको डबल निशान शो होगा। तो उस केस में अगर आप मेथर्जिन टैबलेट का प्रयोग करवाते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोग मेथर्जिन का गलत तरीके से प्रयोग करवा देते हैं, जैसे किसी महिला ने अगर किट का प्रयोग किया, उसे ब्लीडिंग बहुत थोड़ी सी हुई, तो अगर उसके बाद में अगर मेथर्जिन टैबलेट देते हैं तो कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेथर्जिन टैबलेट काफ़ी हल्का होता है और ये उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। तो उनको दोबारा से किट देना चाहिए ताकि उनका जो एबॉर्शन है वो सक्सेस हो जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे एक किट दिया, अगर उनको थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई या ब्लीडिंग नहीं भी हुई, थोड़ा सा भी ब्लीडिंग नहीं हुआ, तब भी लोग मेथर्जिन टैबलेट का प्रयोग करवा देते हैं तो उससे उनको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इस वीडियो में किस जगह पे मेथर्जिन टैबलेट का प्रयोग किया जाए तब ताकि आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल सके, आपका जो पैसा वेस्ट ना हो। दोस्तों अगर आप किसी महिला को एबॉर्शन किट का प्रयोग करवाते हैं और किट के प्रयोग करने के बाद में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती रहती है, और आप जब भी कोई भी टेस्ट कार्ड से चेक करते हैं, चाहे वो प्रेगा न्यूज़ हो या फिर कोई भी टेस्ट कार्ड हो, तो वहाँ पर आपको डबल निशान शो होते हैं रेड कलर के, तो उस केस में अगर आप मेथर्जिन टैबलेट का प्रयोग करवाते हैं तो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग थोड़ी सी हुई है या फिर ब्लीडिंग हुई ही नहीं है, उस केस में अगर आप मेथर्जिन टैबलेट दे देते हैं तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी महिला ने एबॉर्शन किट का प्रयोग किया है, उसको ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, और जब भी आप टेस्ट कार्ड से चेक करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से, चाहे वो आपका प्रेगा न्यूज हो, कोई भी टेस्ट कार्ड हो, तो वहाँ पे आपको डबल निशान शो होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप मेथर्जिन टैबलेट को देते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों बता दें कि इस तरह से इसका प्रयोग करना है, तो एक स्ट्रिप में आता है 10 टैबलेट और इसका जो प्राइस है वो 86 रुपये, यानी 86 रुपीज़ में इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं और इसका प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन पूरा स्ट्रिप लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल 4 टैबलेट ले लीजिए, और जैसे आपने किट का प्रयोग करवाया 5 दिन पहले, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, फिर ब्लीडिंग बंद हो गई है, और जब भी आप प्रेगा न्यूज़ से चेक करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव शो होता है, यानी दिखाता उसमें डबल निशान आते हैं। तो उस केस में आप मेथर्जिन टैबलेट का किस तरह से प्रयोग करें, तो आप 4 टैबलेट मेथर्जिन टैबलेट किसी भी नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से ले लीजिए, और उसके बाद में 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट दोपहर, 1 टैबलेट शाम को गर्म पानी के साथ में इसका प्रयोग करना है, और जो 1 टैबलेट बचेगा उसे अगले दिन मॉर्निंग में खा लेना है। खाना खाने के बाद में मेथर्जिन टैबलेट का प्रयोग करना है। तो जो हल्के फुल्के क्लॉथ्स जो अंदर टुकड़े फंस गए होंगे, उसके मेथर्जिन की सहायता से वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि हमने किट दिया, थोड़ी सी हल्की सी ब्लीडिंग हुई है और या फिर ब्लीडिंग हुई ही नहीं है, उस केस में अगर आप मेथर्जिन टैबलेट दे देते हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एबॉर्शन किट का प्रयोग करवाया है, ब्लीडिंग हुई है, अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई है, और उसके बाद में भी अगर आप चेक करते हैं पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट कार्ड में, तो उस केस में आप मेथर्जिन टैबलेट का प्रयोग करवा सकते हैं। और मेथर्जिन टैबलेट के प्रयोग करवाने के 3-4 दिन बाद आप फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। अगर उस केस में भी मेथर्जिन टैबलेट नहीं काम कर पाता है तो फिर आपके लिए एबॉर्शन ही बेटर है, क्योंकि 3 बार से ऊपर किट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने एक बार किट का प्रयोग करवाया, उससे रिस्पॉन्स नहीं मिला, दोबारा से करवाया, उससे रिस्पॉन्स नहीं मिला,
तीसरी बार आपने किट का प्रयोग करवाया उससे भी आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, तो फिर आपको अगले बार किट का प्रयोग नहीं करवाना है, क्योंकि वो आपके लेडीज़ के लिए, आपके वाइफ के लिए, जो भी है उसके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फिर आपको हॉस्पिटल जाके विजिट करना होगा और वहाँ पे आपको एबॉर्शन करवाना होगा, तभी वो एबॉर्शन सक्सेस होगा। लेकिन अगर किसी भी एबॉर्शन किट खाने के बाद में ब्लीडिंग हुई है और उसके बाद में भी अगर पॉजिटिव शो हो रहा है, तो उस केस में आप मेथ्रेजिन टैबलेट का प्रयोग करवा सकते हैं। तो चार टैबलेट ले लीजिए आप, चार और एक टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम में प्रयोग करना है एक एक टैबलेट का, और एक टैबलेट आपको अगले दिन मॉर्निंग में प्रयोग करवाना है। तो आप देख लीजिए ओवरव्यू कैसे दिखता है। एक स्टिप में आते हैं 10 टैबलेट और इसका जो प्राइस है वो है 86 रुपीज़, और ये आपको सभी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएंगे। ब्लैक कलर के छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं ये। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई है आपके साथ में, तभी आप मेथ्रेजिन टैबलेट का प्रयोग करवाइए, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ब्लीडिंग हुई है, अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी टेस्ट कार्ड से चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव शो होता है, तो वहाँ पे तो मेथ्रेजिन टैबलेट काम करेगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत हल्की सी हुई है या फिर ब्लीडिंग हुई ही नहीं है, तो अगर आप मेथ्रेजिन टैबलेट का प्रयोग करवा देते हैं तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेथ्रेजिन टैबलेट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर कोई जानकारी छूट गई हो जो हमने आपसे ना शेयर की हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ पे लिखिए, मैं उसका उत्तर देने की आपको जरूर कोशिश करूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।